अच्छी किक रोहन की, अच्छा मौका और लाजवाब को, बहुत ही बेहतरीन हेडर, जर्सी नंबर 19 मैकोरी स्पोर्ट्स, प्रिंस ऑफ रांची राहुल कोच बिकान, भागम जर्सी नंबर 1 into 12, बॉक्स के अंदर से अच्छा पास, सुंदर मौका और यहां पर डिफेंडर का अच्छा कवर अप, जर्सी नंबर 4 पास है हंसदा, बिल्कुल निश्चित गोल को बचाते हुए पासिंग का जबरदस्त एफर्ट देखने को मिला, यहाँ काफी दूर से दौड़कर आए, देखा साथी खिलाड़ी गोलकीपर संजय बास की एडवांस। और अब आज के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले के लिए दोनों ही टीमें मैदान में, FC3 गरवार मेकॉन स्पोर्ट्स रांची, स्टेट रेफरी मोहम्मद फरीद खान की अगुवाई में दूसरा सेमीफाइनल मैच। और फिर से एक बार खिलाड़ियों को बदला दुआ कर सक पुरस्कार रखा गया है, बड़े भाई श्री संदीप मुंडा जी की ओर से पहला गोल मारने वाले खिलाड़ी को ₹1,000 का नगद इनाम। और इस मैच के बाद बालिकाओं का फाइनल मैच खेला जाना है, दोनों ही टीमें बिल्कुल तैयार रहे, राइट टू किक, ऑस्कर इंडिया, चारी हुजीर और मांझी। पंच की बाई छोर पर हल्के पीले रंग की जर्सी में है मेकॉन स्पोर्ट्स रांची की टीम। किक ऑफ क्या है FC3 गरवा की टीम ने, अच्छा कॉल बोल उपेंद्र के इन काफी दूर से अनावश्यक मस्जिद के लिए बेहतर पास था यहाँ, लेकिन गौरवमुखी का अच्छा कॉल, लेकिन वहां बैकहेडर पास रेमन लकड़ा के लिए। काफी दूर से किक किया गया गोल बार के ऊपर, यहाँ आक्रमण, लेकिन वहां डिफेंडर मस्जिद मौजूद, थ्रोइंग FC3 गरवा के पास, तेज गति से बॉल के पास आते हुए, पर गेम जीता मेकॉन स्पोर्ट्स रांची ने। पास है, हाँ बिल्कुल सुनहरा मौका मेकॉन के लिए बनता हुआ, जर्सी नंबर 9 ओश्विन गेंद के साथ, लेकिन यह मौके का फायदा नहीं उठा पाए आसान से कलेक्शन के साथ। दूसरी छोर पर साथी खिलाड़ी रोहन को ढूंढना चाहे वहां, लेकिन डिफेंडर मौजूद, जर्सी नंबर क्रॉस पास, अच्छा हेडर बना नहीं पाए राहुल खोया के साथ, वहां पर मौका था, लेकिन गोलकीपर तारीफ करनी होगी रेमन लकड़ा की, पोल पोजीशन FC3 गरवा के पास, गुरमीत मुखी के पास गेंद,
दाहिनी छोर से फुलचंद थी क्रॉस किया था, कोई साथी खिलाड़ी मौजूद नहीं। काफी तेज गति से एफसी तीसगढ़वा फुलचंद को दाहिनी छोर पर गेंद दिया है, बैकल पास करना चाहते थे। इनाम के हकदार हो जाएंगे श्री जगरू राव जी के द्वारा 1000 और श्री संदीप कुंडा जी के द्वारा रखा गया 1000 रुपए का इनाम। फिर से एक मौका बनता हुआ, यहाँ विकी के पास गेंद, क्रॉस करना चाहते थे लेकिन कोई मौका नहीं दिया अमन जी। कॉर्नर, अच्छा कलेक्शन गोलकीपर रमन लकड़ा का। रोहित को पास बॉक्स के अंदर आना चाहते थे यहाँ लेकिन बिल्कुल मौका नहीं बना पाए। अच्छी किक, बॉल पोजीशन बनाने में कामयाब ने कौन स्पोर्ट्स रांची। अच्छा क्रॉस रोहन का मौका यहाँ बाघम के पास लेकिन यहाँ AR1 अर्जुन राव की फ्लैगिंग हुई। अच्छा क्रॉस पास गौरव के पास और यहाँ गौरव ने लाजवाब हेडर गंवाया है, बिल्कुल लगभग निश्चित गोल होता हुआ। बोला बोला गोल बोल पीछे पीछे संजय खेल इसमें जल्दी। पूर्व खिलाड़ी श्री सोनुआ तिर्की जी, आप जहाँ कहीं भी हो मंच में आने का कष्ट करें। बॉक्स के अंदर भी जाए मेकॉल के काफी लंबी थ्रो। अच्छा पास बनता हुआ लेकिन वहाँ फिर से बॉल पोजीशन बनाने में कामयाब एफसी तीसगढ़वा की टीम। दाहिनी छोर पर गेंद दिया लेकिन यार बना जो अश्विन के पास बागम के लिए बेहतरीन पास राहुल खोया का बेहतरीन मौका बाएं छोर से किक लेकिन अच्छी अच्छा बचाव किया वहां गोलकीपर संजय बास्की ने। उपेंद्र के पास गेंद लेकिन बॉल जीता है एफसी तीसगढ़वा की टीम ने। अरे किधर यार, दाहिनी छोर पर गेंद दिया मंजीत के लिए लेकिन मंजीत दूर, बॉल पोजीशन अभी भी मेकॉन स्पोर्ट्स के पास, हेडर नहीं बना पाए लक्ष्मी। क्लियर रोहन के पास गेंद, मेकॉन स्पोर्ट्स का मौका बनता हुआ यहाँ लेकिन गेंद से थोड़े चूके। रोहन के 12 नंबर विक्की के स्थान पर आए हैं जर्सी नंबर 9 रामचंद्र मांझी। अच्छा हेडर यहाँ पर बॉल पोजीशन में गोल के पास काफी दूर से किया गया कि निशाने से थोड़ी दूर। जा रामचंद्र जा 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 जा, जा। मौका बनाता हुआ यहाँ पर फुलचंद बहुत तेज गति से बाई छोर से अकबंती भरवा का बनता हुआ लेकिन सोमरा मुंडा मौजूद। गेंद प्रकाश के पास फिर से दाहिनी छोर पर गेंद बढ़ाया रोहन। बॉल जीता है रोहित ने मेकॉन स्पोर्ट्स के, रोहित ड्रिबल कर अंदर आना चाहते थे लेकिन ब्लॉक किया दोनों छोर से लेकिन अच्छी किक रोहन की। अच्छा मौका लाजवाब को, बहुत ही बेहतरीन हेडर जर्सी नंबर 19 मेकॉन स्पोर्ट्स प्रिंस ऑफ रांची राहुल कोया, बहुत ही लाजवाब गोल, बिल्कुल फ्लैट कॉर्नर किक और राहुल कोया का बहुत ही सुंदर हेडर, बेहतरीन गोल और सुंदर पास लेकिन वहां डिफेंडर मौजूद। मेनन
मौका बनाने की कोशिश में एफसी तिनघरवा की टीम बाई छोर से। अच्छा है वहां फिर से एक बार काफी तेज गति से लक्ष्मीकांत नंबर 1 into 12 बॉक्स के अंदर। अच्छा पास, सुंदर बॉल, डिफेंडर का अच्छा कवर अप। जर्सी नंबर 4 पास हंसता बिल्कुल निश्चित गोल को बचाते हुए पास का जबरदस्त एफर्ट देखने को मिला। यहाँ काफी दूर से दौड़ कर आए, देखा साथी खिलाड़ी गोलकीपर संजय पास की एडवांस। अच्छी किक, अच्छा हेडर मंजीत का, लेकिन गोल बार से काफी ऊपर गई। राजू अच्छा माइनस करेगा, फिर से एक बार राजू गोया टीम के साथ। अच्छा क्रॉस, अच्छा मौका, लेकिन यहाँ हेडर मिस किया। जर्सी नंबर 6 सुरेश, एक मौका बनता हुआ, अच्छा ड्रिबल कर निकलना चाहते थे लेकिन बॉक्स के बाहर आए गोलकीपर संजय बास्की, और शायद ये हैंडबॉल करार दिया है रेफरी फरीद खान ने। का जा 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 उपेंद्र के पास की टीम अप करो। लक्ष्मीकांत बाघम पर बैठे थे, प्रकाश का हेडर। अच्छा कलेक्शन गोलकीपर रेवन लकड़ा का। डाउन ऑन आई गुरमीत, फेस करो उधर। के लिए तैयार है एफसी तिनघरवा के खिलाड़ी। बॉक्स के अंदर गए लेकिन मंजीत मौजूद वहां। अच्छा हेडर पास रोहित के लिए, अच्छी रोहित की बहुत ही बेहतरीन पास यहां राहुल को यहां ने दिया। डायनी छोड़ कर अच्छा दिशा परिवर्तन किया विक्रम के लिए। जर्सी नंबर 14 विक्रम, बहुत ही बेहतरीन पास। और यहाँ माइनस कर रहा रामू, डाउन 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 के साथ काफी तेज गति से बाई छोर से रोहित निकलना चाहते हैं। जी हाँ, बोल जीतने में कामयाब मेकॉन स्पोर्ट्स के रोहित, लेकिन वहाँ अश्विन का ये सुंदर पास, लेकिन वहाँ कोई साथी खिलाड़ी मौजूद नहीं। अच्छा रोहन के पास फिर एक मौका, लेकिन निशाने से काफी ऊपर की, लेकिन गोलकीपर संजय बास की। आराम से विप्लव, उसको डाल दो विप्लव, चलो नो मैं नो, अरे आ गया बोसन, कहाँ चल रहा तुम, आगे चल गया। दाहिने छोर पर राहुल, मौका बनता हुआ, अच्छा कॉल विक्रम का दाहिने छोर से। अच्छा क्रॉस पास, सुनहरा मौका, बॉल ही नहीं बना पाए, बिल्कुल गौरवमुखी हेडर कर गोल कर सकते थे। सुनहरा मौका गंवाते हुए। अच्छा तो फिर से एक बार रोहित के पास गेंद, डायनी छोर से बहुत ही तेज गति से बॉक्स के अंदर आना चाहते हैं, लेकिन वहां डिफेंडर है साथ में जर्सी नंबर 15 रायसेन हंसदा। साथी खिलाड़ी रोहन को पास दिया, उपेंद्र हजाम के पास गेंद। अबे रामू खड़ा ना, नहीं देगा वो बॉल, छोर से। अनुशासन समिति हमारी जितने भी है, आप उस स्थान पर जाएं, हमारे मेंबर्स हमारे मेंबर्स
खिलाड़ी ऑफ बहुत ही मैचों के। राजू राजू आप सभी दर्शकगण, खिलाड़ी और रेफरी को आप छोड़ दें, कोई भी अन्यथा दर्शक मैदान में प्रवेश ना करें। हमारे रेफरी इतने सक्षम है और हमारे खिलाड़ी काफी अनुशासित है और यहाँ रेफरी ने पीला कार्ड दिखाया दोनों ही टीमों के खिलाड़ी। इनको बिल्कुल दो गज की दूरी पर खाली कराएं हमारे मेंबर्स। बहुत ही लाजवाब पास यहाँ पर पागम के लिए, लेकिन निशाने से थोड़ी दूर रह जाएंगे। बॉल अंदर मत जाना गुरमीत, जाओ 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 मैदान मैन 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 खेलना खेलना सर तो कुछ रामू मैनेज कर। चलो जाओ 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 चलो मिलेगा। लेकिन के बॉक्स में गेंद, लेकिन रेमन लकड़ा मौका, लेकिन वहां डिफेंडर मौजूद सोमराव मुंडा के सामने कोई गुंजाइश नहीं। सीधे बॉक्स में थ्रो, लेकिन पहुंच गया अश्विन का हेडर। अच्छा एफर्ट अश्विन का। विक्रम के पास गए, चलो थ्रो इन सीधे बॉक्स में। नीचे 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 रामू ले क्या, रामू ले क्या, खेला पास कर दो। फिर से अच्छा मौका, लक्ष्मीकांत बागम के पास गेंद। गौरव थोड़ा मूवमेंट लेना। रांची की टीम बहुत ही बेहतरीन मुकाबला दोनों ही टीमों का रहा, लेकिन 1-0 से विजय हासिल किया हमें कौन स्पोर्ट्स रांची की टीम ने। कॉर्नर के द्वारा राहुल कोया का बेहतरीन हेडर